हे गाइस, वेलकम टू इंजीनियर्स किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ सोया चंक्स कबाब। सोया चंक्स आर ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड फाइबर, और सोया चंक्स के कबाब बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और इन्हें बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप सोया बड़ी या सोया चंक्स, आप इसकी जगह सोया ग्रेनुअल्स भी ले सकते हैं, 2 बड़े चम्मच मैदा, 1 कप बारीक कटा हुआ प्याज, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 5 से 6 लहसुन की कलियां और 2 से 3 हरी मिर्च और थोड़ा सा धनिया पत्ता बारीक कटा हुआ। अब हमने जो 1 कप सोया चंक्स लिए हैं इन्हें हम गर्म पानी में 30 से 40 मिनट के लिए भिगो देंगे। 30 से 40 मिनट के बाद हम लेंगे एक ग्राइंडर, इसमें हम ये अदरक लहसुन और हरी मिर्च को पीस लेंगे। ये मैंने अदरक लहसुन और हरी मिर्च को पीस लिया है। अब यहाँ पर हमारे सोया चंक्स भी काफ़ी अच्छे से फूल गए हैं 30 मिनट के बाद, तो इन्हें हम निचोड़ कर ग्राइंडर में डाल देंगे। हमें इसका सारा पानी निकाल देना है और इसे अच्छे से निचोड़ना है। अब हम इसे पीस लेंगे, हमें इसका फाइन पेस्ट नहीं बनाना है। अब हम लेंगे एक बोल और इसमें हम इस सारे मिक्सचर को ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप बारीक कटा हुआ प्याज, धनिया पत्ता बारीक कटा हुआ। अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वादानुसार, चाट मसाला 1 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, आप चाहें तो लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच मैदा, हमें मैदा ज़्यादा नहीं डालनी है, बस इस बाइंड हो जाए इतना ही मैदा डालना है। अगर आपको लगे कि मिक्सचर थोड़ा गीला है तो आप इसमें थोड़ा सा मैदा और डाल लें और इसका सॉफ्ट डो लगा लेंगे, बस मिक्सचर बाइंड होना चाहिए। हमारा डो रेडी है। अब हम इसमें से थोड़ा सा डो लेंगे और इसे राउंड शेप देते हुए इसकी हम पेटीज बनाएंगे। इस तरह से हम इसकी कटलेट्स बनाएंगे, आप चाहें तो इसे कोई भी शेप दे सकते हैं। मैं इसे कटलेट का शेप दे रही हूँ। ये हमारी सोया चंक्स कटलेट या कबाब रेडी है। इसी तरह से हम सभी कबाब बना लेंगे। ये हमारे सभी सोया चंक्स कबाब रेडी हैं। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है, इसमें मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल गरम किया है और गैस को मैंने स्लो मीडियम फ्लेम पर रखा है और इन्हें हम एक एक करके कबाब रख देंगे। हमारे पैन में जितने कबाब आएँ उतने ही हमें रखने हैं। ध्यान रहिए आपस में एक दूसरे से चिपके नहीं। कबाब एक तरफ से सिक चुके हैं, अब हम इन्हें पलट देंगे। आप चाहें तो कबाब को डीप फ्राई भी कर सकते हैं, पर मैं यहाँ इन्हें सेलो फ्राई कर रही हूँ। अब हम कबाब को दूसरी तरफ से भी लो मीडियम फ्लेम पे सिकने देंगे। हमारे कबाब रेडी हैं। अब हम इसे एक किचन टावल पर निकाल लेंगे। आप देख रहे हैं हमारे कबाब काफ़ी अच्छे से सिके हैं। ये मैंने सभी कबाब को किचन टावल पर निकाल लिया है। इसी तरह से मैंने सारे कबाब सेक लिए हैं। हमारे सोया चंक्स कबाब रेडी हैं। आप इन्हें अपनी पसंद की किसी भी चटनी या सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं और ये सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपसे मिलेंगे बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।